इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब से करीब 17 घंटे के बाद बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। सबसे बड़ा संग्राम नंदीग्राम में होगा, जहां जंग ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी की है। लेकिन इसी के साथ बंगाल में तीसरे चरण के लिए प्रचंड प्रचार की भी शुरुआत हो चुकी है। आज बंगाल के सियासी मैदान में ममता बनर्जी और जेपी नड्डा का जबरदस्त मुकाबला देखा गया। इसका आगाज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुगली में किया, जहां उन्होंने ममता पर जुबानी तीर चलाए। जेपी नड्डा ने ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, साथ ही चंडी पाठ को लेकर भी हमला किया। साथ ही बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर भी नड्डा ने ममता को निशाने पर लिया। दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक, सरस्वती पूजा पर रोक। इस साल मैंने देखा कि टीएमसी के कार्यकर्ता बड़े बढ़ चढ़ करके सरस्वती पूजा मना रहे थे। अरे इस साल तो मनाने लगे, 4 साल कहां थे? अब तो ममता जी भी वो चंडी का पाठ कर रही है, तो पहले क्यों नहीं किया? अब क्यों याद आए? अब इसलिए याद आए कि बंगाल की जनता ने बता दिया है, ममता जी का जाना तय है, भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। दिल्ली में बाटला का कांड हुआ, मुजाहिदीन के वहां पर आतंकवादी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, एक हमारा पुलिस ऑफिसर शर्मा मारा गया। ममता जी ने कहा ये फेक एनकाउंटर है, दिल्ली चली गई भाषण दे डाला कि ये मुस्लिम भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, फेक एनकाउंटर हुआ है। हमारे लिए हिंदू हो मुस्लिम हो सब बराबर है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। आज हाई कोर्ट क्या कहा ममता जी ने कि अगर ये फेक इनकाउंटर नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। अब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि अरीज खान उर्फ जुनियाद ये टेररिस्ट है, ये मुजाहिदीन का टेररिस्ट है और उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, उसको जेल में डाला गया है। ममता जी अब आप राजनीति छोड़ेंगी क्या? आप नहीं छोड़ेंगी तो बंगाल की जनता ने आपको सबक सिखाना तय कर दिया है, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। चुनाव के अंदर मोदी जी आपकी सेवा करना चाहते हैं और उन्होंने सेवा की है, वो पैसा पहुंचाते हैं, लेकिन यहां का इंजन डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव हो बेना कोरबे ना चौलबे ना, अब ऐसे चौलबे ना को चलता करो, हो बे ना को बोलो होबे होबे होबे, और उसके लिए तुषार मजुमदार चाहिए आमा के। बोलिए आप करेंगे ना, करेंगे ना, होबे ना, होबे, होबे, होबे। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।